हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रिमिनोलॉजी का गेस्ट पेपर देखेंगे और पास पेपर को और ट्रेंड को सामने रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि मे बी दिस ईयर वो पूछे, होपफुली पूछ सकता है इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। पहला जो कि फ्रीक्वेंटली 2016 से लेके एक पेपर छोड़ के दूसरे पेपर में ज़रूर आता है कि क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करें, और उसके अलावा जिसका स्कोप पूछ सकता है, मीनिंग पूछ सकता है, उसकी रेलेवेंस पूछ सकता है। तो इसमें हम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अलावा इसकी जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। इसमें हम क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, उसके काजेशन के लिए, या उसके अलावा डिफरेंट टैक्टिक्स मेथड्स जो हैं जो कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए बताते हैं। फिर क्राइम होता क्यों है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो होती है वो भी क्राइम क्रिमिनोलॉजी में आ जाती है। फिर रिहेबिलिटेशन के टॉपिक वगैरह, ये सारे एक वाइडर सब्जेक्ट है जिसमें लॉ भी आ जाता है, पनिशमेंट, रिवार्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो कि क्राइम कॉजेशन की मेजर थ्योरीज कौन सी हैं, और वन ऑफ देम वो डिटेल में पूछ भी सकता है। आपको पता है कि तीन मेजर थ्योरीज हैं, बाकी उनकी सब ब्रांच हैं। एक तो बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, फिर साइकोलॉजिकल है, और सोशोलॉजिकल है। कि जो बायोलॉजिकल है लाइक सेजार लोम्ब्रोस, वो कहते हैं कि जो क्राइम कॉजेशन है या क्राइम होता है वो जेनेटिकल चीज़ है, वो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, वो इंसान के जीन्स में होती है। जो कि क्रिमिनल्स हैं वो बॉर्न होते हैं बाय बर्थ, अगर उनके नेल्स देखें, उसकी फिजिकल लुक देखें, वो नॉर्मल बंदे से डिफरेंट होते हैं। ऑन दी अदर एंड जो कि साइकोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट है, जैसे कि नहीं वो जो बंदे होते हैं जो क्राइम कंडक्ट करते हैं, उनके साथ कोई मेंटल इशू होता है या उनका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उस वजह से वो करते हैं। कोई बाय बॉर्न बाय बर्थ कोई भी क्रिमिनल नहीं होता। फिर अदर स्कूल ऑफ थाट है वो सोशोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, जो कहते हैं कि मेंटल या जेनेटिकल नहीं, बल्कि इंसान जो है वो लर्न करता है अपनी सोसाइटी से। एक बंदा अगर क्रिमिनल एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ है तो वो वही चीज़ें करेगा। अगर उस एक बंदा पीसफुल एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ है या पढ़ी लिखी फैमिली में, सो ही वुड बी लेस इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस द रोल ऑफ पुलिस इन क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्राइम प्रिवेंशन और कंट्रोल में पुलिस का क्या किरदार है। पुलिस इज़ अ बैकबोन ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ कंट्री। आउटसाइड द कंट्री जो होती चीज़ें वो तो फोर्सेस जो कि मिलिट्री वगैरह करती है, लेकिन विद इन द कंट्री अगर कोई चीज़ होती है तो वो पुलिस आना लो लेवल और बेसिक लेवल प्रिवेंट करती है। और उसमें उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अलावा पेट्रोलिंग नाइट में करते हैं, और डिफरेंट अदर मेथड्स हैं, सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल करते हैं, और उसके अलावा पनिशमेंट, रेस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें उनकी आ जाती है क्राइम को प्रिवेंट और कंट्रोल करने में। डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर क्राइम। नोट आ सकता है कि वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर क्राइम में क्या फ़र्क है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वाइट कॉलर वो क्राइम होता है जो कि अपर क्लास या कोई रिच बंदा, कोई कॉरपोरेशन मतलब माना हाई अथॉरिटी कोई बंदा जब क्राइम करे, वो वाइट कॉलर क्राइम होता है। और ब्लू कॉलर क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ लोअर क्लास और मिडिल क्लास। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब है कि रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। जैसे कि एडविन सुदरलैंड का और जेरेमी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, कि जो कि इंसान है यूटिलिटी है, उसको पनिशमेंट से बेहतर है आप उसको रिहेबिलिटेट करें। सेजार बैक्रिया का भी यही कॉन्सेप्ट है कि इंसान को आप उसके क्राइम के नेचर के हिसाब से सज़ा दें, कैपिटल डे पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट ये ना दी जाए, रिस्टोरेटिव तरीका अख्तियार करें, और जब वो बंदा जेल में आता है तो आप उसको रिहेबिलिटेट करें। और जर्मी बेंथम का एक फेमस कोट है कि जो इंसान हॉस्पिटल में जाता है वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ना कि मरने के लिए। तो जो बंदे जेल में आ रहे हैं क्राइम कमिट करने के, आप उनको रिहेबिलिटेट करें ताकि वो सोसाइटी का एक बेटर पार्ट और एक गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी बन के रहें। क्योंकि ये कहते हैं कि जो क्राइम है वो रेशनल चॉइस होता है, इंसान अपना अकल इस्तेमाल करके क्राइम कंडक्ट करता है, ना कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कुछ है। तो वो इतना तो वो माइंड रखता है कि वो ये सारी चीज़ें करता है, तो सिर्फ आप उसको एक सही गाइडेंस दें। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। ये एक डिफरेंट मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि आया तो नहीं है, लेकिन मे बी इस तरह का कोई सवाल पूछें कि पावर्टी और क्राइम में क्या रिलेशनशिप है। ये यूनिवर्सिटीज़ और अदर पेपर्स में ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं,
लेकिन अब तो नाउ सीजन में ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन मैं भी इस टाइम आ सकता है कि पावर्टी और क्राइम का क्या नेक्सेस है, क्योंकि मेनी से कि जो कि इंसान मोस्टली पावर्टी की वजह से भी जब उनके पास अपने खाने के लिए नहीं होता है तो वो क्राइम की तरफ जाते हैं, जैसे कहते हैं कि पावर्टी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इविल्स। डिफाइन साइबर क्राइम एंड इट्स टाइप, तो 3 4 बार आ चुका है सिंस 2016। साइबर क्राइम जो कि क्राइम कंटेंटेड वे सोशल मीडिया और इंटरनेट, और इसके जो टाइप्स हैं इसमें आपको साइबर बुलिंग आ जाता है, हैकिंग आ जाता है, क्रैकिंग आ जाता है, और ऑनलाइन थेफ्ट आ जाता है, और डेटा थेफ्ट आ जाता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो थेफ्ट होता है, देर आर मैनी वेज, प्रोपोगंडा टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे टैक्टिक्स है साइबर क्राइम के। व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये जो होता है ये पुलिस एक टैक्टिक इस्तेमाल करती है क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल को मतलब उसका प्रोफाइल बनाने के लिए। जैसे सपोज उसको कोई क्राइम हो गया है तो उस क्राइम सीन पे जाके वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा ये देखते हैं कि ये किस तरह मर्डर हुआ है, इसमें गन इस्तेमाल हुई है और कोई हथियार इस्तेमाल हुआ है, उस वेपन को देखते हैं और उस बुलेट को देखते हैं, या वो जो भी चीज़ जिस तरह भी हुआ है वो सारी डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उससे रिलेटेड मिलता जुलता कोई उनको अगर एग्जिस्टिंग केस मिल जाता है तो वो उन चीज़ों को मैच करना शुरू करते हैं कि उस सूबे में उस कंट्री में इस तरह का कोई केस हुआ है, वाकया हुआ है मिलता जुलता, ताकि उनके लिए आसानी हो कि भाई ये मर्डर इस तरह हुआ था या ये कोई भी क्राइम इस तरह हुआ था। सो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग ये भी होता है कि जो ऑफेंडर होता है उसकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है, एक यू कुड से कि डमी या एक गैस पेपर बनाया जाता है, जिसमें ये अपने लिए एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि उनको उसको पकड़ने के लिए आसानी हो। डिस्कस द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ के मेजर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, उस पे ये आ सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। एंड देन डिस्कस द मेथड्स ऑफ क्राइम डेटा कलेक्शन, क्राइम डेटा कलेक्शन किस तरह होती है, क्राइम डेटा कलेक्शन में सर्वे होता है, रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है और केस स्टडीज होती है। जब भी क्राइम डेटा किसी भी क्राइम सीन पे जाके कलेक्ट होती है तो उसमें पहले सर्वे करते हैं, पूरी जगह देखते हैं कि कहीं किसी और ने देखा तो नहीं है किसी बिल्डिंग से या कहीं और जगह से, फिर रिसर्च करते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी केस हुआ है या नहीं, फिर एक्सपेरिमेंट्स भी करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेशन और ऑल ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं फिर केस स्टडी भी करते हैं कि मे भी उससे मिलता जुलता कोई केस मिल जाए। व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की क्या मेन करेक्टरिस्टिक्स है, कि पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है क्या, क्राइम कमिटेड बाय माइनर्स, और उसके अलावा उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि उसमें ये होता है कि उसकी एज डिफाइंड होती है, कि कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है, हर कंट्री का अपना लॉ है कि एक पर्टिकुलर एज होती है, अगर उसमें कोई भी ऑफेंड हो जाता है तो वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पे आ जाता है, और वो हार्डकोर क्राइम या कोई भी जो बंदा अबोव एज क्राइम करे उससे डिफरेंट होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, ये मेरी लिटिल बिट एफर्ट थी, अगर मुझसे कोई लूप होल है तो आई अपोलोजाइज फॉर देट, एंड काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, शो ऑल द बेस्ट फॉर यू पेपर।